संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे लोग पूछ लेते हैं कि इतने इतने सत्संग कर रहे हो और इतने इतने लोग सुनने भी आ रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई रूपांतरण भी है कि नहीं? मैं क्या जवाब दूँ? तुम खुद ही निर्णय कर लोगे और तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ तो सबको अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद निकालनी पड़ेगी। जीवन में कोई रूपांतरण है कि नहीं है? स्थित प्रज्ञता की तरफ जाने के लिए यात्रा शुरू हुई है कि नहीं? उनसे कहना इतना ही अभी स्थित प्रज्ञ पूरे हुए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बार बार लगातार इन सत्संगों में आने के कुछ फायदे ज़रूर हैं। तो एक गुरुजी से भी एक बार एक शिष्य ने पूछा कि निरंतर ऐसे सत्संग में आने से प्रभु लाभ क्या होता है? गुरुजी ने कहा, कमरे के बाहर एक बांस की टोकरी पड़ी है, तू उठा के लाया, देखा अंदर से गंदी थी। उसने बोला, बाहर नदी बहती है, जा उसे नदी में 30 दिन, ज़्यादा नहीं, 4 साल नहीं 5 साल नहीं, 30 दिनों तक खाली उसे नदी में डाल और नदी में से निकाल के ला, देखना क्या होता है। पहले दिनों गया, निकाला उसी समय, तो देखा उसने कि जो पानी था वैसा का वैसा बांस की टोकरी में से बाहर आ गया। दूसरे दिन गया, वापस डाला, बांस है, बीच बीच में छेद होंगे, तो टोकरी में से निकलकर वापस बाहर आ गया। फिर गया, लेकिन अब गुरुजी ने कहा था 30 दिन, 5 दिनों तक तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, जैसी बांस की टोकरी थी वैसी ही थी, लेकिन 30वें दिन तक आते आते कुछ अद्भुत घटनाएं उसके अंदर घटी। और शिष्य ने खुद ने कहा, अब गुरु को नहीं कहना, शिष्य ने खुद ने कहा कि प्रभु 30 दिन तक ये जो बांस की टोकरी बार बार पानी में गई, तो नंबर 1 मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले ये मैली थी, अब ये साफ हो गई। नंबर 1, तुम्हारा मन जो मैला था, अपने आप सत्संग में आते आते तुम अनुभव करोगे कि साफ होने लगेगा। दूसरा उसने कहा, जब इसको डालना मैंने शुरू किया ना, तब ये कठोर थी, लेकिन डालते डालते ये कोमल हो गई। जब तुम सत्संगों में आए थे बड़े कठोर हृदय के थे, जल्दी से किसी को क्षमा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो आयोजन ही ऐसा होने वाला है ना, तुम न चाहो तो भी तुम्हें क्षमा करना होगा, लेकिन सत्संगों में आते आते तुम्हारी चित्त वृत्ति, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कठोर के बदले कोमल होती जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात शिष्य ने ये फरमाई कि गुरुदेव जब शुरू में जाता था ना, तो छिद्रों के कारण पानी बाहर लीक हो जाता था, लेकिन 30 दिनों तक लगातार जाने के बाद बांस फूल गई, और अब चूंकि वो फूल गई तो पानी उसमें ठहरता है। पहले भी जीवन में गुण थे, लेकिन बीच बीच में दोष रूपी छेद थे। बार बार सत्संगों में आते आते गुणों का विस्तार होता गया, गुणों का विकास होता गया, दोष के छिद्र बंद होते गए, तो जो अध्यात्म की धारा बह रही है, अब तुम में समाने की क्षमता आ गई। ये 3 लाभ होंगे। अर्जुन के 4 प्रश्न थे, तुम्हें मालूम है। पहला प्रश्न, स्थित प्रज्ञ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? उसके बाद दूसरा प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कैसे काम करती है? फिर तीसरा प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, मतलब जब वो समाधि में होता है, तो ये बहुत प्रचलित जो कछुए का दृष्टांत है, तुमने बचपन से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स में तुम्हारे स्कूल में आया ही होगा, हम पढ़ते थे तब आता था, कछुए की तरह समझदार बुद्धिमान आदमी अपने अंगों को समेट लेता है, लेकिन क्या ऐसे करके बैठ जाए? हम लोग तो चौड़े हैं कि कितना भी समेटे तो भी नहीं सिमट पाते, लेकिन क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो अब हमें पता चला। तीसरे प्रश्न का उत्तर कि कैसे समाधि में बैठता है, वह दिया। 61 तक हमने ये बातें देखी। अब अचानक बीच में
एक नई नया विषय दे रहे हैं 62 और 63 में कि स्थित प्रज्ञ अपनी यात्रा में क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन इस यात्रा में गिरने का भी चांस है। इस यात्रा में क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, अभी हम चौथे लक्षण की बात करेंगे, स्थित प्रज्ञा का व्यवहार कैसा होता है, लेकिन वह बात को पूरा करने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने बीच में दो श्लोक डाल दिए 62 और 63 कि भाई इस यात्रा पे तुम चलोगे ना तो तुम्हारा गिरना भी संभव है, लेकिन यह गिरना किन कारणों से होता है, द कंप्लीट लेडर ऑफ फॉल, मनुष्य का अधपतन किस क्रम से वो गिरता है और कहाँ पर स्वयं को रोक सकता है, ये आज इन दो श्लोकों से हम शुरू करेंगे। 62 और 63 पहले लो, उसका तात्पर्य क्या है वो समझ के, अचानक विषय परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य अभी तो स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाए वह बता रहे हैं, अचानक तीन प्रश्नों के बाद यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम गिर भी सकते हो, गिरने का कारण देखो, बोर्ड ले आओ 62 63। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य अपने जीवन में कितनी ही बार गिरता है इस यात्रा में, लेकिन यहाँ गिरना हार नहीं है। तुम्हारा जब जब पतन होता है, तुम जब जब गिरते हो, तब यदि उससे कोई शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, कोई लेसन सीख लेते हो, कोई पाठ सीख लेते हो, तो तुम्हारा वह गिरना सार्थक माना जाता है। लेकिन गिरने के बाद तुम फिर उठे, क्योंकि जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, उठने की कोशिश करोगे, लेकिन जो पाठ सीखना था उस गिरने में, जो पाठ सीखना था, तुमने यदि उस पाठ को नहीं सीखा तो ये गिरना तुम्हारा बारंबार आता रहेगा। हर गिरने के अंदर ईश्वर तुम्हें कुछ पाठ सिखाना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। यदि तुमने पाठ सीख लिया तो अब नहीं गिरोगे, लेकिन यदि तुमने पाठ नहीं सीखा तो ये गिरने की संभावना तुम्हारी बार बार आती रहेगी। हम भी अपने जीवन में गिरते हैं, लेकिन गिर के यदि पाठ सीख ले तो ये गिरना अनमोल बन जाता है, बहुमूल्य बन जाता है, हाँ कि नहीं? लेकिन गिरने के बाद भी यदि हम पाठ नहीं सीखते, हम क्यों गिरे इसका कारण नहीं समझ पाते, तो यह गिरना कोई महत्व का नहीं था। यह गिरना तुम्हारे आत्मा तक को चोट पहुंचा के जाता है। तुम्हें बार बार उठने की, बार बार गिरने के बाद जो उठने का वीर्य है ना, वो आता नहीं। यदि तुम गिरने के बाद पाठ सीख लो तो उठने का वीर्य आएगा, उठने का उत्साह आएगा, लेकिन बार बार गिरने के बाद भी यदि तुम गिरने से क्या पाठ लेना था ये नहीं सीख पाते, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि गिरने के बाद उठने का वीर्य, उठने का उमंग, उठने का उत्साह ही तुम्हारा भंग हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। अचानक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के अंदर बीच में ये विषय डाल दिया, मनुष्य किस कारण से गिरता है। और तुम देखोगे तो दोनों श्लोक में बड़ा क्लियर लिखा है कि क्या क्या कारण होता है, उसके कारण मनुष्य गिरता है। मैं कल ही जब इन श्लोकों का अभ्यास कर रही थी तो एकदम से मुझे स्मरण में आया कि परम कृपाणु देव ने श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर भी यही काम किया है। एकदम मोक्ष का उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल जो अंतिम पद चल रहा था 102-3 से जो गाथाओं का रफ्तार बढ़ा, तो ऐसा मोक्ष का क्रम बताते बताते 109वीं गाथा के अंदर तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात कह रहे हैं, 109 के अंदर कह रहे हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति, समकित की प्राप्ति, और अचानक विषय को तोड़ के 110वें नंबर की गाथा के अंदर उन्होंने भी कह दिया कि गिरने के कारण है तो इसमें संभालना। और सिमिलरली यहाँ पर भी स्थित प्रज्ञ के इन 18 श्लोकों में भी मैं यही क्रम देख रही हूँ कि बात को पूरी करने से पहले अचानक बीच में ये दो श्लोक दे दिए कि भाई तू बीच में गिर सकता है। श्रीमद जी ने इसे किस अदा में बात की है, जरा अवनीश प्रभु इसे गा के सुनाओ। एकदम समकित की फाइनल स्टेज चल रही है, फाइनल
और उसके बाद संकित की पूर्ण दशा केवल निज स्वभाव का अखंड वर्ते ज्ञान ये बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक उन्होंने भी दो लाइन डाल दी, बीच में तू गिर सकता है, सेम बात कर रहे हैं दोनों। उस जिज्ञासु जीव को होवे सद्गुरु बोध तो पावे संकेत को करता अंतर शोध। अंतर शोध संकेत को पाना जा रहा है, अंतर शोध में निकल गया है, ये पूरी बात कर दी, बस अब अंतर शोध की शुरुआत हो रही है एक श्लोक छोड़ के, लेकिन बीच में बोल दिया मत दर्शन आग्रह त्यजी रहता सद्गुरु लक्ष पावे शुद्ध समकित को जिसमें भेद न पक्ष। मत दर्शन और आग्रह ये तीन चीजें बीच में आएगी, तेरी मान्यता, तेरे धर्म के संस्कार और तेरा आग्रह, यही सही है। तो जैसे संकित के अंतर शोध की तरफ यानी आत्मदर्शन की अंतर अनुभूति की तरफ तुम जैसे ही यात्रा शुरू करोगे, शुरू कर ली निर्विकल्प समाधि का, थोड़ा थोड़ा रस भी आने लग गया, और अभी फ्राइडे के सत्संग में तो कितना क्लियर हो गया था कि निर्विकल्प समाधि कैसे प्रकटती है, एकदम से वो होने लग गया, लेकिन अचानक तुम्हारा मत, तुम्हारी अपनी मान्यता उठेगी, तुम्हारा अपना दर्शन, तुम्हारे धर्म के लोग, तुम्हारे धर्म की मान्यताएं बीच में आएगी, और तुम्हारा आग्रह नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही करना है, ये तीन चीजें बीच में आएगी। इन्हीं तीन चीजों को वैसे तो आत्मसिद्धि में भी खूब विस्तार में समझाया, लेकिन भगवद गीता के ये 62 और 63 श्लोक बड़ी सूक्ष्म बारीक बारीक बातें पकड़ रहे हैं कि कैसा मत उठता है, कैसा दर्शन की मान्यता उठती है, कैसे आग्रह उठते हैं, बड़ी सूक्ष्मता से इसी बात को भगवद गीता के इन दो श्लोकों में बताया है। क्या कह रहे हैं 62 के अंत से शुरू करते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्या कह रहे हैं देखो, हर मनुष्य की खोज किसकी है, आनंद की, लेकिन वह आनंद की जाति क्या हर मनुष्य की शोध एक ही है, ये समझ लेना। मैं बहुत सत्संगों में कहती हूँ, तुम भी सुख शोध रहे हो, हम भी सुख शोध रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है तुम जिस जगह शोध रहे हो वहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा, और हम जिस जगह शोध रहे हैं वहाँ हमें मिल रहा है। सुख की ही शोध है हर व्यक्ति की, लेकिन उस सुख की जाति क्या है। तुम कहोगे सुख तो हमें भी मिलता है, हम भी जब वेकेशन पर कहीं जाए तो सुख मिलता है, हमारा इंक्रीमेंट हो तो हमें सुख मिलता है, अचानक से कोई मुनाफा हो जाए तो हमें सुख मिलता है, बच्चे हमारी अचानक बात मानने लग जाए तो हमें सुख होता है, हमें भी सुख होता है। लेकिन नहीं, तुम्हारे और हमारे सुख की जाति में बहुत फर्क है। तुम्हें जो सुख का अनुभव होता है वो क्षणिक सुख का अनुभव है, तुम्हारे हर सुख के पीछे दुख खड़ा ही हुआ है, और हम जिस सुख की यात्रा में निकले हैं, हर कोई, हम या तुम, कोई भी क्षणिक सुख नहीं चाहता। क्या तुम कभी ऐसा कहोगे कि हमें थोड़ी देर का सुख चाहिए, या तुम कहोगे मुझे इतनी सी मात्रा में सुख चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना भी ज़्यादा सुख मिल जाए, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा की तमन्ना बनी रहती है कि नहीं, हाँ कि नहीं, और ज़्यादा की तमन्ना बताता है कि तुम्हें अनंत सुख चाहिए, अनंत, थोड़ा बहुत में तुम लोग चलाने नहीं वाले, लेकिन दिस इज अ ब्रांड वी आर लुकिंग फॉर, हम लोगों ने इसको ब्रांडिंग कर रखी है कि सुख की ब्रांड हमारी ये है कि हमें अनंत चाहिए, इतना सा, इतनी मात्रा में सुख नहीं चाहिए, इतना मिला तो और चाहिए, और मिला तो और चाहिए, और मिला तो और चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ तक,
अनंत देयर इज समथिंग इन यू, तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जिसे बाउंड्रीज नहीं पसंद, जिसे सीमाएं नहीं पसंद, उसे अनंत पसंद है, अनंत सुख तुम भी चाहते हो, लेकिन बेवकूफ़ी यही करते हैं कि वह अनंत सुख कहाँ मिलेगा ये पता नहीं, इसलिए तुम बाहर भटकते हो और हम अंतरशोध में जाते हैं और वही अंतरशोध तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे सुख की जाति अनंत है क्योंकि यू डोंट वॉन्ट बाउंड्रीज, और दूसरी कैसी है, शाश्वत, हमेशा रहने वाली। हम इसी की खोज कर रहे हैं, ये समझ लेना। टाइम की एंगल से तुम उसे शाश्वत चाहते हो और क्वांटिटी के एंगल से तुम उसको, ये बात तुम्हें समझ में आती है और कबूल होती है कि नहीं? यदि तुम्हें कबूल ही नहीं है तो फिर तो मेरा समझाना व्यर्थ है। कबूल जो मेरे साथ है वो हाथ यूं करे, जो मेरे साथ नहीं है वो मुट्ठी बंद करें, मोहनजोदारो का भी, हाँ बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हम यही सुख ढूंढ रहे हैं, चाहे तुम संसार में ढूंढ रहे हो तो भी तुम्हारे सुख की जाति अनंत है और शाश्वत है। और ये अनंत और शाश्वत जाति का सुख जो अनंत और शाश्वत है उसी में से तो मिल सकता है। जो क्षणिक है, जो क्षणभंगुर है, जो थोड़ा सा है उसमें से नहीं मिल सकता। जो अनंत और शाश्वत है, इनफाइनाइट है और इटर्नल है, उसी में से तो सुख मिलेगा। और ऐसा इनफाइनाइट एंड इटर्नल कौन है? ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, स्पिरिट कहो, एनर्जी कहो, जो मन में आए कहो, लेकिन उसी में से यह जाति का सुख हमें मिल सकता है। लेकिन मूढ़ दृष्टि जो अभी स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिसकी बुद्धि अभी उसमें स्थित नहीं हुई, किसमें? अनंत और शाश्वत तत्व में। ये तो तुम्हारे सुख की जाति है, लेकिन बेसिकली ये परमात्मा के दो लक्षण है। तुम्हें यदि अभी इसके अंदर बुद्धि स्थिर नहीं हुई तो ऐसी बुद्धि क्या करेगी? देखो, पहला ऑप्शन तो यही है, परमात्मा के विस्मरण से आंतरिक असंतोष बना रहता है, हाँ कि नहीं? क्योंकि तुम्हें वो भीतर का, वो शाश्वत और अनंत आनंद नहीं मिल रहा। भीतर छोड़ो, तुम्हें बाहर भी नहीं मिल रहा, कहीं तुम्हें अनंत और शाश्वत आनंद नहीं मिल रहा, इसलिए एक आंतरिक असंतोष बना है कि नहीं? किसी ना किसी फील्ड में असंतोष बना ही है। पढ़ रहे हो तो वहाँ असंतोष है, कमा रहे हो तो वहाँ असंतोष है, घर चला रहे हो तो वहाँ असंतोष है। चूंकि परमात्मा की अनंत और शाश्वत अनुभूति नहीं, इसलिए ये असंतोष तुम्हारे अंदर बना है, हाँ कि नहीं? कबूल। इस असंतोष के कारण मन बुद्धि तुम्हारा कुछ ना कुछ सोचता है, और जो भी वो सोचता है वो सांसारिक पदार्थ का चिंतन करता है। सांसारिक पदार्थ तत्व कुछ भी लिख लो, सांसारिक पदार्थ का विचार, चिंतन भी ना लिखो, विचार करता है, है कि नहीं? तुम्हारे मन बुद्धि के अंदर कोई विचार चलते हैं तो किसके चलते हैं? स्थिर तत्व के चले तो तुम स्थित प्रज्ञ हो गए। लेकिन चूंकि तुम्हारे मन और बुद्धि में स्थिर तत्व अनंत और शाश्वत ऐसी सत्ता के विचार नहीं चलते, तो तुम्हारे दिमाग में कौन से विचार चलेंगे? संसार के, स्वाभाविक है। कभी इस लाइट का विचार, कभी इस कपड़े का विचार, कभी फोन का विचार, कभी गाड़ी का विचार, कभी बंगले का विचार, कभी स्त्री का विचार, कभी पुरुष का विचार, कभी संपत्ति का विचार। कितने लेवल के थॉट्स हैं? अनकाउंटेबल, अनंत ही कहना पड़ेगा। अलग 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 जाति के विचार चलते रहते हैं। जब तक ये अलग अलग जाति के विचार है ना, तब तक ये इसको विचार के स्तर पर डालते हैं। लेकिन जैसे ही अब लाइट है, कपड़ा है, फोन है, गाड़ी है, ये चार चीजें हैं, इनमें से तुम्हारी विचार की धारा एक ही तरफ बहने लग जाए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक ही विचार की तरफ जब ये धारा बहने लग जाए, धारा बह रही है एक ही विचार की तरफ, गाड़ी चाहिए, तो अब ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाती है कामना। जब तक संसारिक पदार्थ का विचार है उसे हम शास्त्रीय भाषा में आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट। लेकिन कोई भी विचार जब द स्ट्रीम ऑफ थॉट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, अब मुझे बस ये फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, उसी के लिए तुम्हारा विचार भागता जा रहा है, तो अब वो क्या बन गया? कामना, दैट इज
डिज़ायर, तो डिज़ायर ये कामना का अर्थ यदि करने जाओ तो कामना का अर्थ यही होता है किसी भी भौतिक पदार्थ की तरफ जब तुम्हारे विचारों की घनी धारा बहने लग जाए, इंटेंस फ्लो, दैट इज कॉल्ड डिज़ायर. किसी भी भौतिक पदार्थ की ओर जब तुम्हारे विचारों की प्रगाढ़ धारा बहने लग जाए, इंटेंस धारा बहने लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कामना. यहाँ तक बात समझ में आ रही है?